Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a next topic of a lesson Life Processes in Living Organism Part 2. तो आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस एट अ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी यानी कि जब भी बॉडी की कंप्लीट ग्रोथ होती है, बॉडी मैच्योर होती है इन केस ऑफ अ फीमेल. एंड दोज चेंजेस रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 days. तो प्यूबर्टी के बाद फीमेल की बॉडी में एवरी 28 to 30 days कुछ चेंजेस होते हैं. And these repetitive changes are called as a menstrual cycle. तो ये जो changes होते हैं, repetitive changes होते हैं, उसको menstrual cycle बोलते हैं. तो देखते हैं कि ये repetitive changes क्या होते हैं. Menstrual cycle is a natural process controlled by a 4 hormones. तो ये जो process होती है, उसको 4 hormones से control किया जाता है. First है FSH यानी कि follicle stimulating hormone. Second है LH यानी कि luteinizing hormone. थर्ड है एस्ट्रोजन एंड फोर्थ है प्रोजेस्टेरोन. तो ये 4 हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल. वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलोंग विद द ओसाइट प्रेजेंट इन इट. अभी यहाँ पे हम डायग्राम में ही देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड से ये जो हार्मोन है FSH, LH ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं. और ये जो ओवरी है, ओवरी हम डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पे ये जो कंप्लीट ओवरी का स्ट्रक्चर होता है और अंदर की साइड में ये ओसाइट्स होते हैं और जो ये बाहर का स्ट्रक्चर है उसको फॉलिकल कहते हैं. तो इस तरह से ये फॉलिकल होता है. अभी हम फिर से देखेंगे. यहाँ पे वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलॉन्ग विद द ओसाइट प्रेजेंट इन इट. तो अंदर जो ओसाइट होता है उसके साथ ही ये फॉलिकल डेवलप होने लगता है. अंडर द इफेक्ट ऑफ द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. तो इसको ग्रो होने के लिए FSH हार्मोन काम करता है. दिस डेवलपिंग फॉलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन. तो यहाँ पे ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको सिक्रेट किया जाता है. कौन सिक्रेट करता है? फॉलिकल. एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप. अभी यहाँ पे एक वर्ड आया है एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम क्या होता है? यहाँ पे हम पिछले डायग्राम में देखेंगे. ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये यूटेरस है. तो यहाँ पे जब भी ये ओवरी मैच्योर होके यहाँ पे ओवरी से जो ओव्यूल मैच्योर होके यहाँ पे आता है, तो उसके पहले ये यूटेरस अंदर वाली लाइन पे, यानी कि ये जो यूटेरस की वॉल है, तो अंदर वाले साइड्स पे कुछ सेल की ग्रोथ करता है. ये जो सेल की ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम. ये यूटेरस के इनर लाइनिंग पे सेल का एक थिकनेस क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप. कभी डेवलप होता है ये? ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजेनरेटिंग ड्यूरिंग अ सब्सिक्वेंट साइकिल. मतलब हर एक साइकिल के टाइम पे स्टार्टिंग में ही ये एंडोमेट्रियम वो क्रिएट करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन. ये एंडोमेट्रियम कौन से हार्मोन की वजह से होता है? एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन वहां पे सिक्रेट होता है, इसलिए वो एंडोमेट्रियम का लेयर यूटेरस के इनर लाइनिंग पे क्रिएट होता है. मीन वाइल डेवलपिंग फॉलिकल कम्प्लीट्स इट्स डेवलपमेंट. और तब तक ये जो फॉलिकल है उसकी डेवलपमेंट कम्प्लीट होती है. अभी फॉलिकल की डेवलपमेंट कम्प्लीट होती है, यानी कि डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे ये फॉलिकल की डेवलपमेंट ऐसे ऐसे ग्रोथ हो जाती है. यहाँ पे ये कम्प्लीटली उसकी ग्रोथ हो चुकी है. अभी हम देखेंगे इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ओसाइट इज रिलीज. हम डायग्राम में फिर से देखेंगे. यहाँ पे जब भी उसकी ग्रोथ कंप्लीट होती है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट हो जाता है और ये बर्स्ट होके उसमें से ये जो ओसाइट है यानी कि एग है वो बाहर रिलीज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन यानी कि फॉलिकल से ओव्यूल बाहर आना. फॉलिकल से ओव्यूल बाहर आना इसको ओव्यूलेशन कहा जाता है. रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स अ कॉर्पस लेटियम. अभी एक बार यहां से ये जो ओव्यूल है वो बाहर आ गया, तो ये जो बचा हुआ फॉलिकल है उसका कन्वर्जन
कॉर्पस लेटियम में होता है। कार्पस लेटियम येलोइश इन कलर होता है। अभी देखेंगे कार्पस लेटियम स्टार्ट टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन। अभी यहाँ पे एक बार ये निकल गया, इसका जो बचा हुआ पोर्शन था वो कार्पस लेटियम में कन्वर्ट हो गया। कार्पस लेटियम, ओनली कार्पस लेटियम सिक्रेट अ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी कि फोर्थ हार्मोन हमने जो वहां पे देखा था। एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। तो अभी ये जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करती है। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। अभी ये कभी होता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रेट्स देयर सिक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। जब भी ये एग यहाँ पे रिलीज हो गया है और उसी टाइम पे अगर कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है तो ही कार्पस लेटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है, अदरवाइज ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है। तो हम फिर से देखेंगे, एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ अ प्रोजेस्टेरोन, सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ अ एम्ब्रियो। और अगर स्पर्म यहाँ पे आता है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है ताकि यहाँ पे जो जाइगोट है उसको इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस में जगह मिल जाए। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ द ऊसाइट इज फर्टिलाइजेस विद इन अ 24 आवर्स कार्पस लेटियम बिकम्स इनएक्टिव। इफ द ऊसाइट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अभी अगर मान के चलो कि वो जो एग रिलीज हुआ था वो एग रिलीज होने के बाद स्पर्म एंटर नहीं हुआ है, उसके साथ उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो क्या होता है, कार्पस लेटियम बिकम्स इनएक्टिव विद इन अ 24 आवर्स और उसके बाद में एंड ट्रांसफर इनटू अ कॉर्पस अल्बिकन्स। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अगर फ्यूज होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है, और अगर फ्यूज नहीं होता है तो ये जो फॉलिकल था उसका कन्वर्जन कार्पस अल्बिकन्स में, अभी ये कार्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट होता है कभी जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तभी। ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन स्टॉप्स कम्प्लीटली। अभी यहाँ पे एक बार कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो गया तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों भी हार्मोन सिक्रेट होना स्टॉप हो जाता है कम्प्लीटली। एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजेनरेट इन एब्सेंस ऑफ दिस हार्मोन्स। अभी मैंने बताया था कि एंडोमेट्रियम यानी कि यूटेरस के इनर लाइनिंग पे सेल का ग्रो होना वो जमा हुआ था, क्यों, क्योंकि उसको जो जाइगोट है उसको इम्प्लांटेशन के लिए एक सुटेबल जगह देनी थी इसलिए वो सेल जमा हो गया था, बट अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो जो एंडोमेट्रियम के सेल है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे कुछ भी हार्मोन्स नहीं होता है तो वो उसकी ग्रोथ भी नहीं हो सकती है। टिश्यूज ऑफ द डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू अ वजाइना। तो यहाँ पे जो ये टिश्यूज है जिस एंडोमेट्रियम के टिश्यूज जो डीजेनरेट हुए हैं वो डीजेनरेट हुए हुए टिश्यूज और अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो ओवम रिलीज्ड हुआ था बट फर्टिलाइज नहीं हुआ था वो ओवम दोनों भी वजाइना के थ्रू रिलीज हो जाते हैं यानी कि बाहर फेंके जाते हैं। दिस इज अकम्पनाइड विथ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग और ये जो सेल टूटते हैं उसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग भी होता है। ब्लीडिंग कंटिन्यूअस अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 डेज दिस इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन एंड दिस ब्लीडिंग कंटिन्यूअस फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 डेज। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, अनलेस द ऊसाइट इज फर्टिलाइज्ड एंड द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी मंथ। जब तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो साइकिल रिपीटेड होती ही रहती है एवरी मंथ। इफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, एक बार अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया और एम्ब्रियो यूटेरस के अंदर इम्प्लांट हो गया तो ये रिपीटेशन स्टॉप हो जाता है। रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्पररीली स्टॉप। कब तक स्टॉप होती है ये साइकिल, टिल द पार्टुरेशन एंड देयर आफ्टर द पीरियड ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। पार्टुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ होने तक
एंड उसके बाद में जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चालू है तब तक ये प्रोसेस स्टॉप रहती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड अ वुमन एक्सपीरियंस अ सीवियर पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है उसके अंडर फीमेल को पेन सफर करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज सीवियर वीकनेस इज फेल्ट ड्यू टू अ हेवी ब्लीडिंग। यहाँ पे हेवी ब्लीडिंग होता है, हमने यहाँ पे देखा था कि इट इज अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 डेज। तो इतना सारा ब्लीडिंग होने की वजह से वो वीकनेस फील करते हैं एंड देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड। तो यहाँ पे ये जो ब्लीडिंग होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का भी चांसेस होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए ड्यू टू ऑल सच रीजंस देयर इज अ नीड ऑफ अ रेस्ट। रेस्ट क्यों लेनी है? क्योंकि वीकनेस नहीं फील होना चाहिए एंड अ स्पेशल पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।